हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपनी किस्त की राशि कैसे देख पाएंगे, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल छत्रपाल चैनल को और दबाइए बेल के आइकॉन को हमारे टेक्निकल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन में अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ऐसे ओपन कर लेनी है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक कर डेस्कटॉप साइट ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेनी है आई ए वाई। टाइपिंग करने के बाद यहाँ आई ए वाई में सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, reporting.nic.in FTO ट्रांजेक्शन समरी। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद ये आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कॉन्टे में आपको होम में क्लिक करनी है। होम पेज में क्लिक करने के बाद यहाँ ये कुछ कोरोना वायरस का आ रहा है, इसको कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवाज सॉफ्ट में यहाँ रिपोर्ट में आपको क्लिक करनी है। रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। मेरा सर्वर डाउन है तो थोड़ा सा लेट लग रहा है। यहाँ आने के बाद यहाँ हाउस प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट के दूसरे नंबर में आपको क्लिक करनी है। यहाँ यहाँ देखिए सेक्शन फिल्टर्स में आपको यहाँ पे अपना कौन से सन में आपका आवास निकला था उस ईयर को आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा 19-20 में आया था तो हम लोग 19-20 सिलेक्ट कर लेते हैं। 19-20 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट में क्लिक करनी है। तो कौन से आपका योजना में निकला था, तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में निकला था, यहाँ आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑल स्टेट में क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ फिर सेलेक्ट लिखा है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है अपना ज़िला। तो हमारा महासमुंद है तो हम महासमुंद सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर सेलेक्ट लिखा है, यहाँ आपको अपना ब्लॉक या अपना जनपद पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो हम बसना जनपद पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फिर सेलेक्ट में आया है तो यहाँ अपना गांव सेलेक्ट आया है तो यहाँ अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे अपने गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हम अपना गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे यहाँ गांव का नाम लिखा है, यहाँ CHID लिखा है, यहाँ बेनिफिशरी का नाम लिखा है जिसके नाम में आवास निकला है, और इधर कुछ डायरेक्शन और लिखे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर आपका कितना पैसा मिलेगा, कितना मिल चुका है, ये सब चीज़ आपका लिखा हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं। तो हम जैसे किसी एक का कितना पैसा जमा हुआ है, कब तक होगा, ये सब देखेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपको ये जो CHID है, यहाँ ये CHID को आपको कॉपी कर लेनी है। इस CHID लिखा हुआ है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद इधर नीचे देखेंगे तो आपका ऑर्डर शीट जनरेट हुआ है। यहाँ FTO डिटेल्स दिखा रहा है, मतलब आपका पहला किस्त 25,000 मिला है यहाँ पे, दूसरा किस्त आपको 40,000 मिला है, ये कौन से डेट में मिला है ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यहाँ आपका कौन से घर का लेवल कितने स्थिति में खींचा हुआ है, कौन से डेट में खींचा हुआ है, ये सब यहाँ पे लिखाया है। तो आप इस तरह से आप अपनी घर का पैसा कब जमा हुआ है, कब जमा होगा, कितने स्थिति में घर का कितना पैसा जमा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।